आप लोगों से बात कर सकता हूँ? और सर क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? महिपाल कुंडू, और मैं तो आपकी फ्रेंडलिस्ट से हूँ। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं? हाँ, मैं आवाज़ इन लोकसभा टीवी। अच्छा, और आप? आपको देख मैं अच्छा हूँ जी, मैथमेटिक्स। आप? मेरा नाम अरुण है, मैं बिजनेसमैन हूँ। चलो, तो एक बिजनेसमैन है, एक लेक्चरर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ सर। ये एडवोकेट हैं, चार अलग अलग तरह के प्रोफेशन से लोग हो गए, तो चारों से ज़रा बात करते हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुण है, अरुण पन्नू। अरुण पन्नू, आप बिजनेसमैन हैं? ठीक। क्या बिजनेस करते हो आप? मेरा माइनिंग का, स्टोन क्रशर है जी। अच्छा, जो एग्रीगेट होता है ना, स्टोन क्रशर। ओके, तो आप ये बताओ कि आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव का मुद्दा मेरे लिए तो यही है कि यहाँ पे हरियाणा में व्यापार ठीक, हम क्योंकि व्यापारी हैं तो व्यापार ठीक चले, ईमानदारी हो और आम आदमी को नौकरी। तो ये सब है कि नहीं है अभी 10 साल में? कुछ है कुछ नहीं, कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ ठीक भी हुआ है, कुछ कमियां भी रही हैं। कमियां क्या रही? कमियां मेरे हिसाब से क्या है कि सोचना पड़ रहा है। हाँ जी, सोचना पड़ रहा है। तो इस बार सरकार आप यही चाहते हो या बदलना चाहते हो? भाई, हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव होना तो अच्छी बात है जी, बदलाव तो होना चाहिए। हाँ। 10 साल से सरकार है, नई सरकार आए, नई तरीके से काम करेगी। तो क्यों बदलाव होना चाहिए? कमियां में आप चुप हो जा रहे हो, करें बदलाव होना चाहिए। कमियों की बात नहीं है सर, नई सरकार आएगी, नई तरीके से काम करेगी, बदलाव होना आम इंसान के लिए अच्छा है, आम आदमियों के लिए अच्छा है। तो बदलाव तो खट्टर जी को बदल के सैनी को बना दिया 6 महीने पहले? नहीं नहीं नहीं, सरकार का नीतियों का भी है ना, हर सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ हैं। तो नई सरकार आई, बदलाव होता रहेगा तो आम इंसान को तो भी फायदा है जी, आम आदमी को तो। अच्छा, तब तक आप सोच के रखो कि आप बदलाव क्यों चाहते हो। और आपका शुभ नाम? परवेश गिल। मेरा नाम परवेश गिल। गिल साहब, आप बताओ कि आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है OPS। ओके, तो आप तो सरकारी नौकरी में हो, लेक्चर सरकारी कॉलेज में हो आप, तो आपका मुद्दा OPS है। और अब ये तो सरकार ने नया UPS लागू कर दिया है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो NPS से भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो चलो, एक UPS और नया आ गया NPS और OPS के बीच, और जहाँ भी जिस शहर में जाता हूँ OPS की बात करने वाले लोग मिल जाते हैं, और उस पर हम लोग बहुत बार बात भी कर चुके हैं। उसके अलावा बताओ, OPS के अलावा? उसके अलावा तो जैसे हमारे जीन में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे आप सड़कें देखेंगे ना, हाँ, जैसे शहर के अंदर अंदर जैसे हमारे अर्बन स्टेट में है, वो लगा दी उन्होंने, ब्लॉक्स वगैरह लगा दिया, तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें। तो काम जींद में नहीं हुआ? मतलब कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन ढंग से नहीं किया। तो क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? वही बात है, जो मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे मतलब जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बाहर जाएंगे तो बहुत बेटर किया इन लोगों ने, जैसे आई बेज वगैरह हैं बहुत अच्छे किए हैं, शहर के अंदर तो गंद मचा दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो ओवरऑल हरियाणा को लेकर क्या लगता है, 10 साल में कैसा, इस 10 साल में क्या हुआ, पिछले 10 साल से तुलना अगर करें? देखिए, 10 साल में जो है ना, ओवरऑल देखें तो इतना बुरा भी काम नहीं किया उन लोगों ने। ओके, लेकिन वो है कि हम मेरी लेवल से देखूं तो मैं, मुझे तो OPS चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। तो अब इस बार आप सरकार बदलाव चाहते हो? हाँ, या क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हो, तो बदलाव क्यों चाहते हो? हाँ जी, क्यों चाहते हो बदलाव? बदलाव बस जो कुछ तो उनकी नीतियाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट रही हैं अच्छी, मतलब कास्टिस्ट बेस पे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। बीजेपी की बात करो, कास्ट या रिलीजन? कास्ट मान लीजिए। ओके, रिलीजन कास्ट। तो क्या कास्ट रिलीजन, जैसे क्या कास्ट बेस पे? बस अच्छा, आप भी सोचो तब तक, आप तो जर्नलिस्ट हो, तो आप अभी किसी संस्थान के लिए काम कर रहे हो? अभी मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए और कुछ कैंपेनर उसकी पॉलिसीज पे भी काम करते हैं। हाँ, तो आपके लिए आपको क्या लग रहा है इस बार? चलो, आपके लिए हम मुद्दा क्या पूछें, आपको क्या लग रहा है ओवरऑल माहौल इस बार? रीत भाई, अगर आप टोटल सिनेरियो पे बात करें 10 साल की, हाँ, तो 10 साल में बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, हाँ, 9.5 साल उनके। हाँ, मतलब सैनी साहब, हाँ, तो अभी भी, हाँ, आए हैं 2-3 महीने से आए हैं, ना टाइम मिला ना कुछ कर पाए। तो खट्टर साहब के अगर 10 साल की बात करें, तो अगर पूरा आकलन करें तो खट्टर साहब जो है काफ़ी विजनलेस चीफ मिनिस्टर साबित हुए, अगर काम के आधार पर देखा जाए तो। उनका अपना कोई विजन रहा ही नहीं, और ये तो मतलब यूँ है कि हरियाणा ऑलरेडी एक डेवलप स्टेट थे, और जो सोर्स ऑफ इनकम हरियाणा में है वो गुड़गांव फरीदाबाद की वजह से अपने आप ही काफ़ी जनरेट होते हैं। अदरवाइज़ खट्टर साहब के टेन्योर की बात करें
तो पिछले 10 साल में हरियाणा में नौकरियों को लेके, रोजगार को लेके युवा काफ़ी परेशान है। हालांकि खैर अग्निपथ वाली तो सेंटर की स्कीम आई थी, लोकल लेवल पर उसका कुछ सरोकार नहीं है। एक दो चीज़ें जो खट्टर साहब के टेन्योर में रही हैं वो रही हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ वगैरह उनकी ठीक रही हैं, जो टीचर्स का खासकर उन्होंने किया है कि ऑनलाइन वगैरह किया है। अदरवाइज़ जितने उनके ऑनलाइन के और जितने भी काम थे, जितने भी पोर्टल्स बनाए उन्होंने, उसको लेके बहुत ही परेशान है। फैमिली आईडी वगैरह को लेकर लोग नाराज़ हैं, प्रॉपर्टी आईडीज़ है। प्रॉपर्टी आईडीज़ में तो हरियाणा में इतना बुरा हाल है भ्रष्टाचार का कि लोग इतने परेशान उस चीज़ को लेके, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसका एक ही रेमेडी है, सिर्फ करप्शन। अब पैसा दो, काम कराओ। तो जो भाजपा के या खट्टर साहब के जो दावे थे कि जी करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, ब्यूरोक्रेसी पे वो आप लगाएंगे, लगाम लगाएंगे, तो बिल्कुल ही उसका कहीं कोई जनाधार नहीं है। और दूसरी ही उसके अलावा चीज़ जो है कि बीजेपी के टाइम में पूरे हरियाणा में जो कास्ट पॉलिटिक्स इन लोगों ने की है ना, उस चीज़ को लेके मतलब जो माहौल था वो वैसा नहीं रहा कि जो हरियाणा में पहले रहता था। कास्ट पॉलिटिक्स जब बोलते हो तो क्या कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट पॉलिटिक्स लगा लो, एक तरफ किसान है और एक तरफ जो खेती नहीं करते वो लोग लगा लो। अब पर्टिकुलरली मतलब मैं नहीं नाम नाम ले रहा, लेकिन आप लगा लो किसान नॉन किसान वर्जन लगा लो आप एक तरह से। जिस तरह अब अगर भाजपा की आप राजनीति देखे, यूपी की देखे, राजस्थान की देखे, हरियाणा की देखे, तो अगर हरियाणा में भाजपा जैसे राजनीति करती है, मान लो एंटी जाट, यूपी में करती जाट की फेवर की राजनीति, राजस्थान में करती जाट की फेवर की राजनीति, क्योंकि बीजेपी जो राजनीति वो सेंट्रल लेवल पे नहीं करती है, वो स्टेट लेवल पे करती है, स्टेट लेवल में रीजन लेवल पे करती है। भाई जींद, रोहतक, सोनीपत में आप क्या राजनीति करोगे? जीटी रोड की तरफ आप क्या करोगे? और आप अहिरवार बेल्ट की राजनीति क्या करोगे? उनको लेना देना किसी से कुछ नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है, वो भी क्या है, माइक्रो लेवल पे। इस लेवल पे मैं क्या करूँगा, उस लेवल पे मैं क्या करूँगा, उस लेवल पे क्या करूँगा। वो चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जाट बेल्ट है तो यहाँ उनकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी, कहाँ पंजाबी सैनी है तो वहाँ स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अहिरवाल अपने जिक्र किया, वहाँ यादव अहिरवाल बेल्ट में है तो वहाँ की राजनीति, रणजीत सिंह वहाँ होंगे, कहीं सैनी होंगे। हाँ मतलब तो वो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, नहीं समझे? मतलब वही है डिवाइड एंड रूल। यहाँ से डिवाइड किसको करोगे तो उससे क्या निकालोगे, इसको डिवाइड करके क्या निकालूंगा, इससे क्या निकालेंगे तो अच्छा। लेकिन और दूसरी बात यह है कि अगर सैनी साहब को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाना था, रिप्लेस करना था खट्टर साहब को, तो करीब करीब आपको 1.5 से 2 साल का समय देना चाहिए था। आपने 3 महीने बना दिया। अब आप चुनाव के बाद ये भी हो सकता है कि सैनी साहब दूसरे चन्नी साबित हो जाएं, जो कांग्रेस के लिए पंजाब में हुआ था कि जी आपने घोषणा कर दी है और आप एक हवा के बुलबुले पर उठ रहे हो और धरातल पर क्या है, जीरो। तो अभी इस बार आपको क्या लग रहा है हरियाणा में? इस बार ही लोग बदलाव की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब हालांकि उसमें एक चीज़ और देखने की है कि जो मतलब बागी उम्मीदवार है वो किस पार्टी पे को कितना डेंट करेंगे, को कितना मैनेज करेगा, काटेगा। तो ज़्यादा जो सिनेरियो 20 तारीख के बाद आना शुरू होगा, कौन कैंडिडेट बैठेगा, किसको कौन मैनेज कर पाएगा। अदरवाइज़ ओवरऑल जो सिनेरियो है वो इस वक्त बीजेपी के एंटी थोड़ा सा। जुलाना से विनेश फोगाट के इलाके से क्या खबर है? जुलाना में विनीश आज के दिन में ठीक है, कंफर्टेबल है। ओके। क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो भी बाहर का है, दूसरा बीजेपी का भी। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। चलिए, आप शुभ नाम फिर से बताइए। मेरा शुभ नाम एडवोकेट प्रदीप जागलान है जी। हाँ, प्रदीप जागलान साहब, तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? 3 ही मुद्दे यहाँ तो बेसिकली, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, तीनों में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो जींद पिछड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की ले लीजिएगा, 3-4 साल से बन रहा है, अभी तक वहाँ का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। और बेसिकली यहाँ एग्रीकल्चर बेस है, तो किसानों की तो आप हालत शुरू से ही जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए हमारा ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मेन मुद्दा यही रहेगा। तो यहाँ तो विधायक हैं 2 बार के, वो बीजेपी के ही हैं। अगर जींद की बात करें, आप रुकिएगा, आपसे बात करूँगा। तो ये तो आपने घूम के चारों तरफ देखा ही होगा कि उन्होंने कितना काम करवा रखा है, कितना नहीं। तो ज़िले को काफ़ी ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। और सरकार तो कर रही है, 1.5 लाख नौकरियां दी है, विज्ञापन इतने छप रहे हैं। विज्ञापनों में ही है, हर बार इनका यही होता है, कभी कैंसिल हो गया एग्जाम, कभी कुछ। तो अच्छी मतलब 9.5 साल खट्टर रहे और 6 महीना, 1 मिनट रुके, 6.5 क्या इधर आ जाओ ना, आके बात करो। कौशल रहे तो
क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी। आप क्या करते हो? मैं रिटायर कर्मचारी हूँ बैंक से। अच्छा, तो ये कर्मचारी हो गए, ये बिजनेसमैन हो गए, ये लेक्चरर हो गए, ये पत्रकार हो गए और ये एडवोकेट हो गए। देखिए पांच लोग हो गए अब यहाँ पे। आप क्या करते हो? मैं टीचर। आप टीचर हैं? आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौशल का सर ऐसा है, एक सेकंड जरा, इधर से शुरू हुआ ना अभी, उसके बाद थोड़ा इधर हट जाइए कैमरा इधर। हाँ, अब बताइए क्या कर रहे हो? ये कौशल तो चोर दरवाजा बना दिए इन लोगों ने। कौशल विकास जो निगम बना है इन्होंने, पहले अपने लोग ठेका थ्रू भर्ती कर दिए, ठेकेदार थ्रू, फिर उन्होंने नाम कौशल भेज दिए। सबने अपने रिश्तेदार घर के आदमी या फिर पैसे लगा दिए सारे कौशल में, ठेकअप लगा रखे जा रहे हैं। ये तोर इंट्री है, तो बैक डोर इंट्री। लेकिन सरकार का दावा विज्ञापनों में तो ये दिखता है, इन्होंने कहा निकाली को पोस्ट बताकर निकाली, इन्होंने अखबार में कभी दिन एडवर्टाइजमेंट करी नहीं, अपने आप मेरिट क्या मेरिटेरिया डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां नहीं, ये तो ठेके थ्रू था, ठेके पहले ठेकेदारी प्रथा लागू थी, जो ठेके पर आदमी लगा वो इन्हें कौशल भेज दिए। नहीं नहीं, सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, प्रॉपर रेगुलर नौकरी की बात कर रहे, अखबार में तो लगाई सारी, बाकी नौकरी लगाई अच्छा, लोग पुलिस में लगाए, बाकी सारी भर्ती बीच बीच में कैंसिल होती रही। हाँ, अब ये बताओ ऐसे ओवरऑल हरियाणा में 10 साल में काम हुआ, खुश हो या क्या? नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर हरियाणा प्रदेश में। हाँ। इतने पढ़े लिखे लोग जो बेचारे बच्चे एमए हैं, एमटेक हैं, एमएससी हैं, वो बेचारे फोर्थ क्लास नौकरी के लिए मारे मारे फिर हैं, वो भी कौशल का थ्रू, वो भी सिफारिश हुआ फिर पैसे दे नौकरी लगते हैं लोग। एक अभी आंकड़ा आया था हरियाणा में कि नौकरियों के लिए पीजी और ग्रेजुएट किए हुए हजारों लड़कों ने प्यून के लिए अप्लाई किया था। हाँ। शायद 45,000 एप्लीकेशन। हाँ। था ये हालत हो रही है, बड़ी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई शिक्षा नहीं, कोई स्वास्थ्य की तरफ, सारा हॉस्पिटल जाए देखो क्या हालत है, डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं, बता क्या सुविधा जींद में। हाँ। सारे पड़ दी, सारी सड़कें पाड़ी गिर दी, आप देखो शहर क्या हालत है, शहर के अंदर आप आ जाइए देखो क्या हालत है शहर। लेकिन जुड़ाना जुड़ान देखा हमने क्या हालत, जुड़ाना तो देखा मैंने, आप कैसे भी जा सकते वहाँ। तो लेकिन ये तो मोदी जी कल ही कुरुक्षेत्र में थे, भाषण दिया, कहते हैं डबल इंजन की सरकार ने पूरा हरियाणा में जबरदस्त काम किया, एकदम सुंदर प्रदेश हो गया, गर्व हो रहा है। विकास के नाम पर वोट मांगते सिर्फ जाति पे, धर्म पे, कास्ट के नाम पर वोट मांगते, जाति के नाम पर फूट डाल दी, जहाँ जैसे जाट बेल्ट वहाँ दूसरे आदमी को आपस में सिस्टम दूसरा बना दिया, हरियाणा दूसरा सिस्टम बना दिया। ये लोग विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांग सकते, हाँ, ये तो सिर्फ जाति पाति धर्म के नाम पर मुद्दा बना लेते हैं। तो आप क्या चाहते हो? सरकार बदलाव जरूरी है, बदलाव होके क्या हो जाएगा? 10 साल पहले भी बीजेपी के, पहले 10 साल कांग्रेस भी थी, तो वो 10 साल हो, 10 साल क्या फर्क? बदलाव तो जरूरी है, कुछ तो विकास नहीं होंगे आदमी पता, पुरानी जो घोटाले तो बदलाव तो कर दिया ना, खट्टर को हटा के सैनिक को ले आया, ये तो वो मंडली होगी, वो तो एक बात होगी उसकी, जहाँ बैठा दिया आपका एक ही है। अच्छा, हाँ आप बताओ, कौशल रोजगार के भाई साहब बात कर रहे थे, कौशल रोजगार तो बेरोजगारों के साथ इतना गंदा मजाक है, टीचर लगाए हुए हैं उनके बिल तो बनते हैं, रुकिएगा आप लोग, हाँ, ट्रेजरी से बिल तो बनते हैं उनके 32-33 हज़ार रुपये का, और उनके खाते में जाते हैं 21-22 हज़ार रुपये, मतलब कौशल रोजगार तो एक बहुत भद्दा मजाक है बेरोजगारों के साथ, ये 10 हज़ार रुपये पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में, हरियाणा में बदलाव होगा? अच्छा, बदलाव क्यों? लोग मोदी जी की कल सभा में सुनते हैं कुरुक्षेत्र में, मोदी के झूठों से तंग आ लिए लोग, क्यों इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डंका बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का, और डबल इंजन का यहाँ जो उनके भगत ही बजा रहे हैं, बुद्धिजीवी आदमी इससे सहमत नहीं। अच्छा, अभी मिले थे वहाँ कृष्णा मिड्डा यहाँ के विधायक, उनके साथ भी 25 लोग थे, वो कह रहे एकदम जबरदस्त काम हो रहा है सब, एकदम हरियाणा में नौकरियाँ एकदम बट रही है, कोई करप्शन नहीं है, जीरो करप्शन, एक तरफा है वो, एक तरफा, हाँ, कोई मतलब न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं है उनकी जो। तो बदलाव क्यों चाहते हो? बदलाव तंग आ चुके हैं जी, एक तो और एक चीज पोर्टल, और एक चीज पोर्टल, आम पब्लिक बहुत तंग हो चुके हैं। और ये जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी का क्या है, उससे भी कोई दिक्कत हो रही है लोगों को? बहुत लोग उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो मतलब खून के आंसू रोने लग जाता है, खरीदनी हो तो मतलब अरे एक ओटीपी जाएगा, ये आईडी वो आईडी। तो ये बताओ कोई सिस्टम बनेगा तो ये सब तो होगा ना थोड़ा बहुत? नहीं, कोई बैंक में भी आप जाते हो तो अब ओटीपी होता है, पहले एक बार अकाउंट में जाने का, एक्सेस करने का ओटीपी, फिर पैसा ट्रांसफर, बिना सिस्टम के वो शुरू कर रहे हैं योजना को। ओके, अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, इस बच्चे की मैं इनकम क्या दिखाऊंगा फैमिली आईडी में? समस्याएं तो कई हो जाती हैं। तो अब ये 9.5 साल खट्टर के और 6 महीना सैनिक है, तो दोनों में क्या फर्क था? सेम बात है जी, सेम बात है। हाँ, ये तो नाइट वॉचमैन भेजा है और इसका जिम्मे बढ़ देंगे बस। अच्छा जी, और जुलाना से क्या खबर आ रही है जिंद में? जुलाना में एक तरफा जी 50,000 से जीतता है विनेश फोगाट। अच्छा जी,
आप बताइए, एक मिनट आपसे, आप धीरे धीरे लोग यहाँ काफी जमा हो गए। इसकी क्या गारंटी है, फैमिली आईडी ये सारे सिस्टम कांग्रेस भी बदल देगी क्या? कांग्रेस चेंज कर लिखवा रखे हैं रविंदर शर्मा। तो ये चीजें जो इन्होंने बताई हैं, ये किया है भाई, मतलब ये प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है, ये चीज़ें बना रखी हैं। अगली कांग्रेस वाली जो माने सरकार आ जाती है तो इन चीज़ों को समाधान कर देगी, उनको चेंज कर देगी, इसकी क्या गारंटी है? वो कह रहे हैं, उनके कोई स्टेटमेंट हम तक तो सुनी नहीं अब तक। ठीक है, लोगों ने ये है जी, लोगों ने उम्मीद तो करते हैं जी, उम्मीद तो करते हैं। मेन पोर्टल तो ये है, आज के दिन तो ये देखने हैं, उनने फिर बदलते हैं, पांच साल पास नहीं बदले तो। अच्छा, एक एक कर, एक एक कर। उम्मीद तो 15 लाख की भी तो थी, उन्होंने भी वायदा किया था, उनके सारे उन्होंने वोट भी लिए थे। ये नहीं करेंगे, बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, MSc, BSc, MTech, MA सबको PN बना दिया। जब उनको PN ही बनाना था तो मैट्रिक से ऊपर की जरूरत ही नहीं, क्या कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूरत है? सर एक मिनट। अब ये जैसे आपका शुभ नाम? विशेषर शर्मा। क्या करते हो आप? रिटायर्ड। अब जैसे इन्होंने जो बोला ना, एक अभी हरियाणा की खबर आई थी कि 5000 सफाई कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति के लिए जो निकला उसमें 46,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया, 46,000 ग्रेजुएट्स और हजारों, इसमें वो अभी नंबर नहीं दिख रहे, हजारों पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने सफाई कर्मचारी के लिए हरियाणा में अप्लाई किया। तो भाई नौकरी के लिए तो सब सरकार तो कर रही है, फिर एजुकेशन का फिर प्रतिबंध क्यों है? फिर BA उसको मैट्रिक को प्लस टू को तो कहो फार्म ना भरें, उनका कंडीशन क्यों, उनको फार्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? उनका नंबर तो आना ही नहीं कहीं भी। 20 साल पुराना बेरोजगार है कांग्रेस राज का, सफाई वाले में भी भरेगा, ट्रेडमैन में भरेगा, अगर यहीं BA किया है। मैं फौजी हूँ जी, यहाँ सारे गाली देते कांग्रेस को, और 8% 70% BJP को वोट देती है, झूठ बोलने लग गए। मैं सच्चाई बताता हूँ, हम किसी की नहीं, 70% BJP के वोट रहे यहाँ पर। लोकसभा में ठहर के उंगी थी 10 मिनट लगी थी, क्यों जीतती फिर ये भाई? लेकिन इस बार तो सोनीपत लोकसभा से मोदी कोई पटियाला चौक से नहीं आया ना, वोट दी है। सही बात है, सही बात। हमने ये सब झूठ बोलते हैं, 70% यहाँ पर वोट है, मैं फौजी हूँ, मतलब ये सब लोग शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हैं? BJP को वोट देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने 3 मेडिकल कॉलेज 10 साल में एडमिशन करवा दिए, एडमिशन करवा दिए, यू एक सफेद हाथी बन लग रहा है। अब पता नहीं, चलो चलो थोड़ा, अरे उधर कैमरा है, थोड़ा न्यूट्रल कहनी चाहिए, सम्मान कर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक मिनट, एक मिनट, सरकार बदलनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वोट क्यों देते हैं? सरकार तो तभी बदलेगी जब वोट कांग्रेस को देंगे। आप ये बोलो, आप ये बोलो, सरकार बदलनी चाहिए, क्यों बोल रहे हो ये? एक मिनट, आप क्यों कह रहे हो सरकार बदलनी चाहिए? मैं हवा बन रही है, बदल दो बस। अच्छा, अंदर से BJP को चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ अभी क्या, एक मिनट रोक रखेगा मामे, अदरवाइज मतलब एक मिनट रुको पहले इसमें से लगभग सब आदमी कांग्रेस को गाली देते हैं, फिर भी BJP जीतती है, क्यों ऐसा इस बार क्या लग रहा है? नहीं, इस बार BJP को खराब, अरे इस बार क्या लग रहा है? क्लियर है जी, क्लियर है इसका, BJP। हाँ, अरे आप तो अभी पीछे भी मिले थे, फौजिया जो तथ्य वगैरह ऐलान करा था पीछे, BJP वही वोट देते, ये फौजी है और फौजिया ने कट्ठे ऐलान भी करा था जी के भाई BJP को वोट नहीं देनी, वो भी आदमी थे जी। चलो चलो चलो, ठीक है, BJP के सारे 2000 वोट लेसन रखे हैं, जो एमएलए BJP का चुनाव लगे थे वो 2000 वोट लेसन रखे हैं, मेरी 2000 वोट है, मेरी जीत है, गांव का भीड़ लग गई यहां पे काफी। अब जरा इधर आइए, एक बच्चे को इसमें मत दिखाओ, वीडियो पॉलिटिकल है। क्या नाम है आपका? अच्छा नहीं, आपका क्या नाम? दीपांशु। क्या करते हैं दीपांशु आप? स्टडी करता हूं, स्टडी करता हूं सर। तो आपके लिए क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? चुनाव सर काफी अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है फिलहाल अब की बार, ज्यादा से ज्यादा लग रहा है अभी BJP टक्कर में है, कांग्रेस भी काफी टक्कर में लग रही है अब की बार, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन हुए थे उनको देखते हुए, जो 5 सीटें कांग्रेस ने निकाली है उसको देखते हुए लग रहा है अभी कांग्रेस भी काफी टक्कर में है हरियाणा में। तो किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है इस बार आपको? इस बार मेरे को तो सर कांग्रेस की लग रही है, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। एक मिनट, बीच में सेल्फी लेके भी आ गए,
कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। तो युवाओं के लिए जो रोजगार का सवाल है, आप क्या करते, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने सर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और सीटी क्लियर है मेरा, लेकिन जहाँ तक बात है एग्ज़ाम मैंने काफ़ी दिए हैं। हाँ। अभी भी पीछे सीटी के एग्ज़ाम हुए थे हमारे। हाँ। जैसे। हाँ। तो एग्ज़ाम तो हम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या बार बार उन एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती है, फिर क्या मनोबल टूट जाता है सर उसका। वहाँ पर ये नहीं रहता, अभी गारंटी नहीं, अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हम मेहनत करते हैं 1.5-2 साल, फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं। एक एज निकली जा रही है सर, मैं 24 का हो चुका हूँ। अब आगे जाके ये लगा लो इलेक्शन हो गई, अब अगली सरकार क्या पता कब एग्ज़ाम निकाले, इतने हमारी उम्र निकल जाती है सर। हाँ, ये युवाओं का सवाल है और बहुत जगह ऐसे मुझे युवा मिलते हैं जिनके लिए रोज़गार और नौकरी सवाल है, और उसके पर्चे लीक होना या 3-4 साल से कई तरह की भर्तियों का ना होना, इसलिए बहुत जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अब चलिए, बहुत सारे लोग जुट गए, बहुत सारे लोगों से बात भी, बच्चों को असल में ये पॉलिटिकल शो है ना, इसलिए मैं बच्चों को आ जाओ इधर आ जाओ, आप उधर से जो बोल रहे हो इधर क्या बोल रहे हो आप, इधर यहाँ आ जाओ। हाँ बोलो। मैं पंचायत होने लग रही है भाई, इन दोनों दिन निकाल दो, निर्दलीय के दे दो वोट। अच्छा, क्यों ऐसी पंचायत हो रही है? पंचायत दनों न्यू कहे यू मांग राम गुप्ता का थे तो लोगों तक पानी नहीं पाया करता, और इस लिया 5-4 बार जीतते हैं, इस करके पंचायत चल रही। कौन जीते 4 बार? मिड्डा। अच्छा, इनके फादर 2 बार रहे और 2 बार ये रहे, 4 बार रहे। न्यू कहे गांव में जो पंचायत सी इकट्ठी होगी नी। अच्छा, तो क्या इस बार हरियाणा में क्या इस बार लग रहा होगा? लग रहा है जी किला तलका में भी, मतलब न्यू में बगावत हो रही है, नीता डोलती हो, जे पी कह गया कि लाली पाउडर लाएं तो प्लास्टिक लाएं तो नेता बने जब कोई बन जाए उठे डूला की पंचायत। चुनाव किसका लग रहा है? हरियाणा जोर कांग्रेस का है, है? जोर कांग्रेस का है, कांग्रेस आओगी 57 सीटों में, कांग्रेस की सुनना मेरी। कितने सीटों में? 57। 57 सीटें, कहाँ से जोड़ लिया आपने? यहाँ पर क्या सुना है जी, और कड़ते जोड़ा थी। चलो ठीक है, तो इस चलते हैं पार्क में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, ऐसे आगे जरा ऐसे ही चलते हुए। तो इस वीडियो को मैं इस पार्क से ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और ऐसे ही चूँकि कल मैं हिसार रहूँगा, परसों सिरसा, हिसार और सिरसा के इलाके में अगले 3 दिन, और ऐसे घूमते अगर अलग अलग जगह जाते हुए जिन लोगों से बात होगी वो आपको सुनाता रहूँगा, ताकि मुझे भी पता चले क्या चल रहा है और आपको भी पता चले कि लोगों के मन में क्या है। फिलहाल इस हर्बल पार्क से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।